जादुई दिया। एक गांव में रोहन नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वे लोग बहुत गरीब थे। उसके पिताजी एक साहूकार के यहाँ काम करते थे। उनके परिवार का भरण पोषण भी बहुत मुश्किल से होता था। रोहन के कुछ दोस्त थे। रोहन उन्हीं के साथ हंसता खेलता और खुश रहने की कोशिश करता। एक दिन वे सभी दोस्त नदी के किनारे खेल रहे थे कि उन्हें दूर से कुछ आवाज सुनाई दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उन्होंने आवाज की तरफ देखा तो दूर एक साधु नजर आए। वे सब उन साधु बाबा के पास गए और उनसे कहा, प्रणाम साधु बाबा। खुश रहो बच्चों, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, हम यहाँ नदी के किनारे खेल रहे थे। हम यहीं पास के ही गांव में रहते हैं। आपकी आवाज सुनी तो आपके पास आ गए। ठीक है बच्चों, अब तुम घर जाओ, अंधेरा होने वाला है। ठीक है पापा। ये कहकर वे सब बच्चे अपने घर की ओर चल दिए। कुछ दिनों बाद त्योहार आया। गांव में मेला भी लगा। सब लोग बहुत खुश थे। सभी के घर रोशनी से जगमगा रहे थे। लेकिन रोहन अपने घर के बाहर उदास बैठा था। तभी वहां साधु बाबा आए और रोहन से कहने लगे, कैसे हो रोहन? अरे बाबा, आप? रोहन, सब जगह लोग खुशियां मना रहे हैं, मेला देखने गए हैं, लेकिन तुम इतने उदास क्यों हो? बाबा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम बहुत गरीब हैं। ओ, बाबा अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो उनके हाथ में एक दिया आ जाता है। वे रोहन से कहते हैं, रोहन ये लो दिया, ये एक जादुई दिया है, ये तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेगा। सच? धन्यवाद बाबा। रोहन जादुई दिया लेकर खुश हो जाता है। तभी साधु बाबा बोलते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना रोहन, इसका इस्तेमाल किसी बाहर वाले के सामने मत करना, वरना ये दिया बुझ जाएगा, और अगर ये दिया बुझ गया तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। और हाँ, इसका इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करना। ये कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। रोहन दिया अपने घर में ले जाता है और अपने माता पिता को दिखाता है और उन्हें सारी बात बताता है। फिर रोहन जादुई दिए से अपने घर के लिए एक इच्छा मांगता है। जादुई दिए, मेरे घर को भी रोशनी से जगमगा दो। उसके इतना कहते ही पूरा घर रोशनी से जगमगा उठता है। इसी तरह वे अपने पिताजी के लिए फलों की टोकरियां मांगता है और माँ के लिए सिलाई मशीन, ताकि उसके माता पिता इन चीजों से अपना काम शुरू कर सकें, उन्हें किसी के यहाँ जाकर काम न करना पड़े। अब वे दिए की मदद से जरूरतमंदों की मदद करने लगा। एक दिन वह अपने घर में आराम कर रहा था कि उसका दोस्त उससे मिलने आया। रोहन, तुम घर पर हो? हाँ नितिन, आओ अंदर आओ। अरे रोहन, अगर तुम घर पर ही हो तो बाहर खेलने क्यों नहीं आए? इतने में नितिन की नजर दिए पर पड़ती है। अरे ये दिया, ये तो बहुत सुंदर है, इसकी रोशनी बहुत तेज है। क्योंकि ये जादुई दिया है। जादुई दिया? ये क्या जादू करता है? जरा दिखाओ तो। इस दिए से मैं जो भी मांगता हूँ ये मुझे वो सब देता है। अच्छा, दिखाओ तो सही। जादुई दिए, मुझे अच्छा अच्छा खाना दो। रोहन के इतना कहते ही दिए की लौ बुझ जाती है। ये देखकर नितिन हंसने लगता है। हा हा हा, यही है तुम्हारे दिए का जादू, हा हा हा। हंसते हुए नितिन वहाँ से चला जाता है। रोहन ये देखकर बहुत रोता है। तभी रोहन की माँ भी वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, रोहन तुम भूल गए बाबा ने तुमसे क्या कहा था। उन्होंने तुम्हें ये बताया था कि अगर इसका प्रयोग किसी बाहर वाले के सामने करोगे तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। तुम ये कैसे भूल गए? माँ, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
अब मैं क्या करूं? तुम सच्चे मन से बाबा को याद करो, वही तुम्हारी मदद करेंगे। रोहन मन ही मन बाबा को याद करता है और बाबा उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। कहो रोहन, मुझे कैसे याद किया? रोहन उन्हें सारी बात बताता है और उनसे माफी मांगता है। उसकी बात सुनकर बाबा उससे कहते हैं, रोहन मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुमने हमेशा इस दिए का सही इस्तेमाल किया, लेकिन अपने दोस्त के सामने दिखावा करने के कारण ही इसका जादू खत्म हो गया। बाबा मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, इस दिए का जादू वापस लौटा दो। रोहन की बात सुनकर बाबा दिए का जादू वापस लौटा देते हैं और रोहन फिर से दिए के जादू से लोगों की मदद करने लग जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए।